Hello friends, so through this lecture we are starting with one miscellaneous series for all of you. Now what is the purpose of starting with this miscellaneous series is that there are some common problems, there are some common queries that people have been facing. So I decided to start with this miscellaneous series ताकि हम लोग जो common queries है students की वो लोग हम वो queries हम यहाँ पर answer कर सकें, right? एंड हम यहाँ पर मिसलेनियस सीरीज में और भी कई चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि ICI की कुछ अनाउंसमेंट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, कुछ पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे मिसलेनियस टॉपिक्स में, अभी रीसेंट एग्जाम्स हुए हैं उनके भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, तो हम बीच बीच में कुछ ना कुछ एक दो टॉपिक्स हम अपनी मिसलेनियस सीरीज में लॉन्च करते रहेंगे, राइट? सो व्हाट इज द मेन टॉपिक फॉर दिस लेक्चर इज, जो मेरे को बहुत ज़्यादा क्वेरी आई एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज़ द डबल शिफ्ट वर्किंग इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. ठीक है, तो वो हमारे पास टॉपिक था डबल शिफ्ट वर्किंग का, राइट? तो मेरे पास टॉपिक कौन सा है, डबल शिफ्ट वर्किंग. और ये किस में है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में. राइट, अब इसका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो हमें इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मिलेगा और जहां भी किसी बुक्स में देखोगे सिमिलर क्वेश्चन ही मिलेगा आपको. ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमने क्या किया था, जब हमने किया था ये क्वेश्चन, जो टॉपिक था ये हमारा लेक्चर नंबर 11 में कवर्ड है, पहली चीज. ठीक है जी, लेक्चर नंबर 11 में हमारे पास ये टॉपिक कवर्ड है जिसमें हमने डबल शिफ्ट वर्किंग पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि मीनिंग क्या होता है, कि हर एक आइटम का इम्पैक्ट क्या होता है, कि रॉ मटेरियल का क्या इम्पैक्ट है, WIP का क्या इम्पैक्ट है, डेटर्स पे क्या इम्पैक्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट है. तो हम लोगों ने वो सारा कुछ लेक्चर नंबर 11 में डिटेल में डिस्कस किया था वहाँ पर. ठीक है, मैं वो डिटेल में अब यहाँ पर नहीं जाऊँगा, आई विल स्ट्रेट अवे टेक अप द क्वेरी कि सर जो प्रॉब्लम है सबको एक ही पार्ट पर जाके प्रॉब्लम आ रही है और वही पार्ट मैंने लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, मैंने वो आप लोगों के ऊपर वो पार्ट छोड़ दिया था कि आप लोग ट्राई करो वो पार्ट. ठीक है, लेकिन वो पार्ट में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत आई, तभी मैंने कहा एक ऐसी सीरीज़ हम लोग लॉन्च करते हैं जहाँ पर ऐसी कोई कॉमन प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर सके. शॉर्ट वीडियोज़ रहेंगी, बहुत लॉन्ग वीडियोज़ नहीं रहेंगी, बिकॉज आई विल फोकस ऑन द क्वेरी पार्ट. मैं पूरा पूरा टॉपिक नहीं डिस्कस करूँगा यहाँ पर. ठीक है, पूरा टॉपिक आपने सुनना है, लेक्चर नंबर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सुन लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीरीज़ में. ठीक है, वहाँ पर आपको पूरा टॉपिक मिलेगा. अब दिक्कत कहाँ आई स्टूडेंट्स को, ये रहा क्वेश्चन हमारे पास जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है. ठीक है, और हमने क्या डिस्कस किया था वहाँ पर, एक कॉस्ट शीट, कॉस्ट स्टेटमेंट हमने बनाई थी वहाँ पर. हमने यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल निकाले थे, यूनिट्स ऑफ WIP भी निकाल लिए थे, यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी निकाले थे. ठीक है, अब ये इसका सोल्यूशन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेरीज आई, तो ये मेरा क्वेरी सेक्शन है. ठीक है, सो दिस इज द पार्ट वेयर द मैक्सिमम क्वेरीज हैव बीन रेज्ड बाय द स्टूडेंट्स, राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेक अप. अब यहां पर भी क्या दिक्कत है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है. रॉ मटेरियल 6000 यूनिट्स था, और अच्छा इसमें क्या था, नंबर ऑफ यूनिट्स हमने निकाल लिए थे, सिंगल शिफ्ट में कितने हैं 24000 और डबल शिफ्ट में 48000, यही था. ठीक है जी, अब क्या हुआ, रॉ मटेरियल अगर 6000 लगेगा या हमारे पास पड़ा है ऑलरेडी, जो हमारा एसेट है यहाँ से निकाला था हमने, कि उसकी वैल्यूएशन कैसे की थी, कॉस्ट पे 36000 डिवाइडेड बाय 6, तो 6000 यूनिट्स आ गए थे मेरे पास, बिल्कुल आ गए थे सर. अब जब डबल शिफ्ट करेंगे हम लोग, मतलब अब एक शिफ्ट की बजाय हम लोग दो शिफ्ट में काम कर रहे हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक एक शिफ्ट है, देन रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अगली शिफ्ट है. क्लियर, क्यों करते हैं सर, डिमांड हमारे प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा है. ठीक है, या कुछ स्पेशल ऑर्डर आ गया, हमें बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया, कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर है जो हमें विद इन द टाइम फ्रेम कंप्लीट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम डबल शिफ्ट में काम करना स्टार्ट कर जाते हैं. या अगर हॉजरी की बात करें तो सीजन का टाइम होता है, एक पर्टिकुलर सीजन होता है जब सेल्स बहुत ज़्यादा पिकअप करती हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, वो डबल शिफ्ट में काम करते हैं, वो एक शिफ्ट से काम पूरा नहीं हो पाता. ठीक है, तो अगर डबल में करेंगे तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल डबल चाहिए होगा, 12000 हो जाएगा. WIP की बात करें तो हमने क्या कहा था कि WIP की जो यूनिट्स हैं वो सेम रहेंगे. क्यों, WIP क्या है, इन प्रोग्रेस है, जो फर्स्ट यूनिट में इन प्रोग्रेस था वही तो सेकेंड यूनिट में कंप्लीट करोगे.
ठीक है, तो WIP के यूनिट्स चेंज नहीं होंगे, फिनिश्ड गुड्स डबल हो जाएंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल हो जाएगी आपकी। जहां 4500 यूनिट शिफ्ट वन में बना रहे थे, अब दूसरी अगर डबल शिफ्ट में काम करोगे तो एक दिन में 9000 यूनिट बना लोगे। क्लियर? अब दिक्कत यहां से स्टार्ट होती है, सनरी डेटर से लेकर, ये इतने पार्ट में दिक्कत है सर, ठीक है, इसकी भी नहीं, यहां तक दिक्कत है हमें। अब बात ये आई, उन्होंने कहा सनरी डेटर 6000 कैसे आए? सर बहुत सिंपल है, आपको सनरी डेटर्स दे रखे हैं 108000 के, ठीक है। अब सनरी डेटर्स को, डेटर्स क्या है, जिनसे पैसा लेना है, जिनको सेल किया है आपने। अब ये 108000 की जो वैल्यू है ये कैसे आई होगी? ये आई होगी नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 108000, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड क्या है, ये मेरे डेटर्स हो गए, क्लियर है। और सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस मेरे पास दी हुई है 18 rupees, राइट। सो मैं निकाल सकता हूँ डेटर्स कैसे आएंगे मेरे, 108000 डिवाइडेड बाय 18, 6000, क्लियर है। तो ये डेटर्स कैसे आए, क्लियर है। और डबल शिफ्ट में काम करेंगे तो हम डबल सेल कर सकते हैं, तो ये डेटर्स मेरे डबल हो जाएंगे, क्लियर। चलो जी, इसको मैं यहाँ पर मार्क करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये वैल्यू कैसे आई है, 108000 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो मुझे गिवन है 18 rupees, राइट। सो दिस इज द सेलिंग प्राइस एंड दिस इज गिवन डेटर्स, कोई डाउट? ये पार्ट क्लियर है कि सनरी डेटर्स हमारे पास 6000 कैसे आए हैं, और डबल शिफ्ट में वो डेटर्स मेरे पास ऑब्वियसली डबल हो जाएंगे, 12000 आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है जी। चलो अब आया करंट एसेट्स वाला पार्ट, सारा क्लियर हो गया। अब आया जी करंट लाइबिलिटीज वाला पार्ट। अब इसमें सर बहुत दिक्कत है, क्रेडिटर फॉर मटीरियल कैसे आए, क्रेडिटर फॉर मटेरियल की तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई है। हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमें तो कहा गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 6, और यहाँ पर दिया हुआ है क्रेडिट अवेल्ड फ्रॉम सप्लायर्स विल कंटिन्यू टू रिमेन एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ 2 months, हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सर ये दिक्कत आई, ये 4000 आया कहाँ से, अब 4000 कैसे आया? अब हमने एक चीज़ आइडेंटिफाई की कि कितने यूनिट्स बनाने और सेल करने हैं, कितने, 24000, ठीक है। अब हमें ये नहीं कहा गया कहीं भी क्वेश्चन में कि एक यूनिट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए, नहीं दिया गया क्वेश्चन में, कहीं नहीं दिया गया सर। तो इसका मतलब है कि अगर 24000 यूनिट्स बनाने हैं तो 24000 यूनिट्स ही हमें रॉ मटेरियल के चाहिए होंगे, क्योंकि हमें नहीं दिया गया कि एक यूनिट के लिए कितना चाहिए। सो दिस इज अ प्योर एजम्पशन कि 24000 यूनिट्स बनाने हैं तो 24000 यूनिट्स ही रॉ मटेरियल के हमें चाहिए होंगे, ठीक है जी। तो मेरे पास रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड कितना होगा, चलो यहां पे ले लेते हैं एक अलग से, क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल, क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल, राइट। तो मैंने कहा कि पूरे एक साल में मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, 24000 यूनिट्स की, दिस इज माय एनुअल रिक्वायरमेंट। और क्रेडिटर से मुझे क्रेडिट पीरियड कितना मिल रहा है, 2 months का, 2 months का क्रेडिट पीरियड मिल रहा है। सर बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जब हमने वर्किंग कैपिटल का बेसिक्स भी किए थे, वर्किंग कैपिटल हमें किस पर्पस के लिए चाहिए होती है, सर जो क्रेडिट पीरियड है हमें उसके लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, क्योंकि उस पीरियड में हमारा पैसा डेटर्स में भी ब्लॉक्ड होता है, उस पीरियड में हमारा पैसा क्रेडिटर्स के पास भी ब्लॉक्ड होता है, हमें उनको देना भी है, ठीक है। तो वो 2 महीने के लिए मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, जो क्रेडिट पीरियड है उस 2 महीने के लिए मुझे वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो सर जब 2 महीने की, अगर पूरे साल की रिक्वायरमेंट 24000 है तो 2 महीने की रिक्वायरमेंट निकाल सकते हो, 2 months की रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है, 24000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया, 4000 आ गया,
अगर पूरे साल की रिक्वायरमेंट 24,000 की है तो 2 महीने की कितने है? ये 2 महीने कहाँ से लिया मैंने? क्रेडिट पीरियड से, कि इस क्रेडिट पीरियड के ड्यूरिंग मेरे को कितनी रिक्वायरमेंट होगी 4,000 यूनिट्स की, और इसके लिए मुझे वर्किंग कैपिटल की क्रेडिटर्स खड़े होंगे मेरे, ठीक है। उस 2 महीने में जिस में मुझे उन्होंने क्रेडिट दिया, उस 2 महीने में कितने क्रेडिटर्स खड़े होंगे मेरे? टोटल पूरे साल में 24,000 है, तो 2 महीने में कितने के क्रेडिटर्स खड़े होंगे? 4,000 यूनिट्स के। क्लियर? पूरे साल की रिक्वायरमेंट थी 24,000, ठीक है, 2 महीने का क्रेडिट दिया, तो मतलब 2 महीने के लिए मेरे क्रेडिटर्स कितने खड़े हैं जिसमें मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए? 2 महीने के लिए 4,000 यूनिट्स के क्रेडिटर्स मेरे खड़े हैं, राइट। और ये क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे? डबल शिफ्ट में डबल हो जाएंगे, क्योंकि मटेरियल डबल होगा हमारा। सिमिलरली फॉर द क्रेडिटर्स फॉर वेजेस, क्रेडिटर फॉर वेजेस कितने मंथ्स का दे रहे हैं आपको? हाफ मंथ का दे रहे हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर्स फॉर वेजेस, तो क्रेडिटर फॉर वेजेस कैसे निकालोगे? बिल्कुल सिमिलर लाइन पे हाफ मंथ के लिए, ठीक है। कैसे? 24,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ठीक है जी। 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू 1,000। क्लियर? सिमिलरली फॉर क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है जी। और डबल शिफ्ट करेंगे तो डबल हो जाएगा पैसा। समझ में आया अब ये यूनिट्स कैसे कैलकुलेट हुए? अब इंस्टीट्यूट के मटेरियल में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिया हुआ है। उन्होंने क्या किया हुआ? उन्होंने पहले वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, फिर उन्होंने कुछ यूनिट्स कैलकुलेट किए हैं। जरूरत ही नहीं है सर यूनिट्स कैलकुलेट करो पहले। कॉन्सेप्ट सिंपल है कि क्रेडिटर्स जितने पीरियड के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, 2 महीने का क्रेडिट दिया है, 2 महीने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, और उस 2 महीने के लिए मेरे क्रेडिटर्स कितने होंगे? पूरे साल के लिए 24,000 है, तो 2 महीने के लिए निकाल सकता हूँ 4,000 यूनिट, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने 4,000 यूनिट्स लिया एट द रेट ऑफ 6 रुपीज 24,000। क्लियर है? बाकी ये रेट्स कैसे चेंज हो रहे हैं ये हमने कैलकुलेशन कर ली थी जब कॉस्ट शीट बनाई थी अलग अलग, क्योंकि डिस्काउंट्स ऑन ऑफर थे। मेन दिक्कत यहाँ पर आ रही थी यूनिट्स कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो ये 4 चीज़ों के हमने यूनिट्स कैलकुलेट कर दिए। आई होप विद दिस दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। अगर फिर भी किसी की क्वेरी है प्लीज़ डू लेट मी नो थ्रू माई ईमेल आईडी, ठीक है जी। तो आप लोगों को ईमेल आईडी तो पता ही है, मैं फिर भी लिख देता हूँ कि अगर किसी को कोई भी दिक्कत आए, तो इसके बियॉन्ड भी अगर फिर भी क्वेश्चन में दिक्कत आए, तो प्लीज मेल मी एट ksjteaching@gmail.com, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।